फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप सर्दियों में तेजी से बॉडी बनाने के लिए, तेजी से मसल्स ग्रोथ करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट लें, और सर्दियों में कौन सी ऐसी देसी दवा खाएं जिससे बॉडी तेजी से बने। और आज हम आपको घर पर ही सर्दियों में बॉडी बनाने के लिए घर पर ही प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट पाउडर और घर पर ही देसी दवा बनाना भी सिखाएंगे, जिससे आप सर्दियों में घर से ही बॉडी बना सकें। फ्रेंड्स, इसी सीरीज के हम दो पार्ट बना चुके हैं, जिनमें हमने कुछ टिप्स और सर्दियों में खाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फूड्स बताए हैं, तो आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये आज वीडियो का पार्ट 3 है। आपकी बॉडी बनाने के लिए ये पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसीलिए इस पूरी वीडियो को गौर से समझें और फॉलो करें। फ्रेंड्स, वीडियो में कोई भी सप्लीमेंट या देसी दवा बताने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, हमारी इंडियन डाइट में हर कोई गेहूं की रोटी खाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी रोटी की जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, विटामिन तक मिलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सर्दियों में बनाई जाने वाली दो ऐसी पावरफुल रोटी जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ और मसल्स ग्रोथ तेजी से होगी। पहली रोटी का नाम है मक्की की रोटी और दूसरी है बाजरे की रोटी। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना करना है कि गेहूं की रोटी फिलहाल आप सर्दियों में बंद कर दें और बाजरे और मक्की की रोटी खानी है। एक दिन बाजरे की रोटी और दूसरे दिन मक्की की रोटी। बॉडी बनाने के लिए जो चाहिए ना, प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट और कैल्शियम, यहां तक कि ये रोटी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल तक को बूस्ट कर देती है। आप ये रोटी मक्खन के साथ खाओ, देसी घी डाल कर खाओ और सालन आपका जो भी हो बस उसके साथ खाओ। सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि ये दोनों रोटी आपके शरीर में ताकत को बढ़ा देती हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर्दियों में खाए जाने वाले सप्लीमेंट के बारे में कि आखिर अब सर्दियों में कौन कौन सा सप्लीमेंट यूज करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारी एक बात को गौर से समझें। फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी तेजी से बनती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट पे होता है। इसीलिए सर्दियों में खाई गई हमारे शरीर को हर एक चीज लगती है। सर्दी में डिहाइड्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए एक्सरसाइज के बाद में टूटी हुई मसल्स जल्दी रिपेयर होती हैं और इसीलिए हमारी बॉडी तेजी से बनती है। फ्रेंड्स, ज्यादातर सप्लीमेंट की तासीर गर्म होती है, इसीलिए हम सर्दियों के मौसम में कोई भी किसी भी तरह का सप्लीमेंट बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, खासकर जैसे कि गर्मियों में हमें एक्नी, पिंपल या किसी भी तरह के दाने, शरीर में गर्माहट का फैल जाना, सप्लीमेंट का ठीक से डाइजेस्ट ना होना, इस तरह की प्रॉब्लम से हम सर्दियों में सप्लीमेंट खाकर बचे रहते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें सर्दियों में तेजी से बॉडी बनाने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का सप्लीमेंट, प्रोटीन या देसी पाउडर या देसी जड़ी बूटियां, इनमें से कुछ ना कुछ हमें सर्दियों में खाना चाहिए, जिससे हम सर्दियों में 3 से 4 महीनों में एक नए ताकतवर और तकड़े शरीर का निर्माण कर सकें। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कुछ सर्दियों में जो बेस्ट सप्लीमेंट हैं और जिन सप्लीमेंट की हमें सर्दियों में जरूरत होती है और बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें ये सप्लीमेंट लेने भी चाहिए। नंबर 1 सप्लीमेंट का नाम है विटामिन डी। फ्रेंड्स, जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं या कम बाहर निकलते हैं या जिनमें विटामिन डी की कमी है, उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट सर्दियों में लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में अक्सर बॉडी की ग्रोथ हमारी विटामिन डी की कमी से नहीं हो पाती है, क्योंकि सर्दियों में एक दिक्कत बड़ी कॉमन है, सर्दियों में हमारा मूड एक्सरसाइज के लिए नहीं करता है और यही वो वजह है कि विटामिन डी की वजह से हम थके हुए लेथार्जिक फील करते हैं, इसीलिए बॉडी लेथार्जिक होने की वजह से ग्रो नहीं हो पाती, इसीलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट आप लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारा सप्लीमेंट है क्रिएटिन। फ्रेंड्स, मार्केट में क्रिएटिन की बहुत सारी फॉर्म हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्रिएटिन सप्लीमेंट है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि ये सस्ता है और एज इफेक्टिव भी।
क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने से ये साइंटिफिक प्रूव है कि आपका वजन सीरियसली बढ़ता है, आपकी बॉडी का मसल मास बढ़ता है। क्रिएटिन आप 5 ग्राम रोज खाएं और क्रिएटिन आप एक्सरसाइज करने से पहले भी ले सकते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद भी। नंबर 3 पर है फिश ऑयल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है फिश ऑयल से बहुत ही जल्दी बॉडी बनती है और सर्दियों में फिश ऑयल बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट दिखाता है। फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ये बॉडी बनाने के लिए बेहतरीन पोषक तत्वों में से एक है। फिश ऑयल का तेल फैटी फिश के अंदर से निकाला जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक आपको एक हफ्ते में कम से कम 227 ग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड को खाना चाहिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ फिश ऑयल में ही पाया जाता है। फिश ऑयल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड नई कोशिकाओं और नए मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है, जिससे आपकी बॉडी सुडौल और ताकतवर बन जाती है। इसीलिए अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं और अपनी बॉडी को बढ़ाना चाहते हैं तो फिश ऑयल नई मसल्स को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। फिश ऑयल का आप कैप्सूल भी ले सकते हो। बॉडी बनाने के लिए फिश ऑयल का कैप्सूल आप दोपहर के खाने के बाद या रात के खाने के बाद ले सकते हो, और अगर आप फिश ऑयल लेना चाहते हो तो आप रात को सोने से पहले एक चम्मच ले सकते हो। नंबर 4 पर है वह प्रोटीन। फ्रेंड्स, अक्सर आपको मसल मास बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन तो खाना ही पड़ेगा। वह प्रोटीन एक हाई क्वालिटी का कंप्लीट प्रोटीन होता है, इसमें सभी एमिनो एसिड होते हैं, इसीलिए आप एक्सरसाइज करने के बाद ले सकते हैं। वह प्रोटीन की क्वांटिटी आप अपनी बॉडी वेट के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लें। जितना आप में वजन होगा उसका डबल हमें प्रोटीन चाहिए होता है तेजी से बॉडी बनाने के लिए। इसीलिए आप मान लो आप में 60 किलोग्राम वेट है तो आप 120 ग्राम प्रोटीन लें, 60 ग्राम आप अपनी डाइट से ले लो और 60 ग्राम आप वह प्रोटीन से रोजाना ले लो। इस तरह आपका 120 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने आपको बताए ये सब आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये चारों प्रोडक्ट कैसे लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, विटामिन डी सप्लीमेंट आपको एक हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है, बस आपको हर संडे प्रोटीन की तरह ही लेना है। क्रिएटिन सप्लीमेंट आपको वर्कआउट करने से आधा या पौन घंटे पहले 5 ग्राम पानी में घोल कर लेना है और एक्सरसाइज करने के बाद 20 मिनट के बाद आपको अपना वह प्रोटीन लेना है और फिर रात को सोने से पहले एक चम्मच फिश ऑयल को लेना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया सर्दियों में हम सप्लीमेंट और प्रोटीन कैसे लें उसका तरीका। अब मैं आपको बता देता हूँ सर्दियों की कुछ देसी डाइट में क्या चीज लें। फ्रेंड्स, सर्दियों में आपको अदरक और लहसुन इन दो चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को हर वक्त बूस्ट रखता है, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आती है। लहसुन आप सुबह को नहार मुंह शहद के साथ ले लो और अदरक आप रात को दूध में उबाल कर ले लो। इस तरीके से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था इस सीरीज का पार्ट 3। बाकी की जानकारी हम इस सीरीज के पार्ट 4 में जानेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सर्दियों में घर पर कौन कौन सी देसी दवा बनाई जा सकती है बॉडी बनाने के लिए, और घर पर ही हम आपको सप्लीमेंट भी बनाना सिखाएंगे जो सर्दियों में ही आपकी बॉडी बनाएगा। जो लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं बॉडी बनाने के लिए, उन लोगों के लिए इस सीरीज का पार्ट 4 बेस्ट रहेगा। किस किस को पार्ट 4 जल्दी से चाहिए हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।